नमस्कार, एसटीवी न्यूज में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। गायक दिलेर मेहंदी को हुई 2 साल की सजा, मानव तस्करी का है मामला, पटियाला कोर्ट ने सुनाया फैसला। विदेशी महिला पर्यटक की हुई मौत, फ्रांस से ग्रुप के साथ भ्रमण पर आई थी पुष्कर, बस के नीचे आने से हुई मौत। राज्य मंत्रिमंडल में हो सकता है भारी फेरबदल, मंत्रियों से लिए जा सकते हैं इस्तीफे, साथ में संगठन में भी बदलाव के बने आसार। ट्रेलर ट्रक में हुई भीषण भिड़ंत, 4 जिंदा जले, बीकानेर के महाजन में हुई दुर्घटना। और अब समाचार विस्तार से। पटियाला कोर्ट ने मशहूर गायक दिलेर मेहंदी को मानव तस्करी का दोषी ठहराया है। दिलेर मेहंदी को 2 साल की सजा सुनाई गई, वहीं उसके भाई शमशेर सिंह को भी अदालत ने दोषी माना और दिलेर मेहंदी फिलहाल पंजाब पुलिस की कस्टडी में है। मामला 19 सितंबर 2003 का है, जब शमशेर मेहंदी के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। शमशेर मेहंदी दिलेर मेहंदी के बड़े भाई है। पूछताछ में दिलेर मेहंदी का नाम भी इस मामले में आया था। 2003 में ही उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अब 15 साल बाद इस मामले में फैसला आया है। दोनों भाइयों पर गैर कानूनी तरीके से लोगों को विदेश ले जाने के आरोप थे। इस मामले में उनके खिलाफ कुल 31 मामले पाए गए। इनमें पहला मामला अमेरिका में 2003 में ही दर्ज किया गया था। आरोप था कि दिलेर मेहंदी जब अपने शो के लिए विदेश जाते थे तो कई लोगों को वो अपने साथ विदेश ले जाते थे। दिलेर मेहंदी के खिलाफ ये मामला बख्शीश सिंह नामक शख्स ने दर्ज कराया था। आरोप था कि दिलेर मेहंदी ने लोगों को विदेश ले जाने के नाम पर काफी पैसे लिए थे। अपने भाई के साथ 1998-99 के दौरान 10 लोगों को गैर कानूनी रूप से ये लोग विदेश ले गए थे। मेरे बड़े भाई शमशेर पे बनाया था, वो 14 साल हो गए और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई लास्ट ईयर। तो अब वही थे एक मेन एक विक्टिम। अब केस ने जो बोला है, कोर्ट ने, अदालत ने बोला है कि अब हम जाएंगे सेशन कोर्ट है, अपील करेंगे, बाकी जो अदालत का फैसला हो तो फैसला होता ही है और अपनी कोशिश करेंगे, हम आगे जाएंगे। हाँ जी, बेल होगी। फिलहाल दिलेर मेहंदी को पंजाब पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले रखा है और अदालत उसे 2 साल की सजा सुना चुकी है। धार्मिक नगरी पुष्कर में घूमने आई फ्रांस की एक विदेशी महिला की आज सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 16 सदस्यों के पर्यटक दल के साथ उदयपुर से पुष्कर घूमने आई फ्रांस की सविने एलिजाबेथ मारिया और जब अपनी बस से उतर रही थी तभी विदेशी महिला का संतुलन बिगड़ जाने के चलते पैर स्लिप हो गया और बदकिस्मती से उसी दौरान ड्राइवर ने गाड़ी पीछे लेना शुरू कर दिया। अचानक हुए इस हादसे में विदेशी के दोनों पैर गाड़ी के पहिए के नीचे आ गए, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़ित महिला को तुरंत पुष्कर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसकी हालत गंभीर होने के कारण अजमेर रेफर कर दिया गया, परंतु उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने विदेशी महिला के शव को अजमेर के JLN हॉस्पिटल में सुरक्षित रखवा दिया है। साथ ही फ्रांस के दूतावास सहित मृतक विदेशी के परिजनों को हादसे की सूचना भिजवा दी गई है। राशन सरकार के चेहरे को पूरी तरह से बदलने को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं चरम पर हैं। संभावना जताई जा रही है कि सरकार मौजूदा मंत्रिमंडल में कई मंत्रियों से इस्तीफे लेकर नए सिरे से मंत्री परिषद का गठन कर सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि मंत्रिपरिषद में शामिल उन मंत्रियों को हटाया जा सकता है जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही या फिर वो विवादों में रहे। दरअसल CM राजे के अचानक BJP मुख्यालय दिल्ली पहुंचने पर सभी मंत्रियों को वहां बुलाए जाने के बाद इन चर्चाओं ने और गति पकड़ ली है। मिली जानकारी के अनुसार सभी मंत्रियों को अचानक BJP मुख्यालय बुलाया गया, जहां दोपहर 2 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। सूत्रों के अनुसार मंत्रिपरिषद में फेरबदल करने को लेकर CM को पार्टी आलाकमान से हरी झंडी मिल चुकी है। संकेत ये भी हैं कि सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए CM राजे उप मुख्यमंत्री के चेहरों पर 2 अलग अलग समाज से जुड़े नेताओं को जगह दे सकती है। सूत्र बताते हैं कि यदि 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो उसमें एक ब्राह्मण समाज से और एक राजपूत समाज से हो सकता है।
सीएम राज्य नए मंत्रिपरिषद में नए चेहरों को मौका दे सकती है। वहीं संसदीय सचिव बदले जाने की भी अटकलें तेज हैं। उपचुनाव में 3 सीटों पर हार के बाद सरकार ने अपना ही फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। इसी के मद्देनजर इंटेलिजेंस सभी विधायकों की स्थिति को लेकर उनकी जीत हार का फीडबैक एकत्र करने में लगी है। इंटेलिजेंस से जो रिपोर्ट मांगी गई है उसमें पूछा गया है कि विधायक जीतने की स्थिति में है या नहीं। बताया जा रहा है कि टिकट वितरण के समय इस रिपोर्ट का उपयोग लिया जा सकता है। रिपोर्ट में इस बात पर जोर रहेगा कि वर्तमान भाजपा विधायक के जीतने के आसार हैं या नहीं। सभी विधानसभा सीटों पर वर्तमान विधायक के अलावा दूसरा कौन नेता ऐसा है जो जीतने की स्थिति में है। पार्टी ही नहीं विपक्ष के बारे में भी इंटेलिजेंस अधिकारी यह रिपोर्ट तैयार करने में लगे हैं। वहीं राजस्थान में हुए उपचुनाव में भाजपा की करारी हार के बाद पार्टी आलाकमान आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत के लिए अभी से रणनीति बनाने में जुट गए हैं। ऐसे में हार के कारणों पर भी मंथन किया जा रहा है। इसी के तहत मंत्रिमंडल में बदलाव के साथ ही संभावना ये भी जताई जा रही है कि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सहित अनेक जिम्मेदार पदों पर बैठे प्रभारियों को भी बदला जा सकता है। बीकानेर के महाजन में शुक्रवार तड़के नेशनल हाईवे पर एक ट्रेलर और ट्रक में आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। भिड़ंत से दोनों वाहनों में आग लग गई। इसमें दोनों वाहनों में सवार 4 लोगों के जिंदा जलने की खबर है। नेशनल हाईवे 15 पर उप तहसील के पास एक ट्रेलर और ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और दोनों वाहनों में आग लग गई। आग तेजी से फैली और देखते ही देखते ट्रेलर और ट्रक धुंधु करके जलने लगे। दोनों वाहनों में 4 लोग सवार थे जो जिंदा जल गए। इन सभी के जलने से मौत हो गई है। हालांकि ट्रकों के पूरी तरह जल जाने के कारण अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई कि गाड़ियों में कितने लोग सवार थे। ट्रक के मालिक के अनुसार वाहन में केवल ड्राइवर ही था। वहीं पुलिस का मानना है कि हो सकता है ड्राइवर ने रास्ते में किसी को ट्रक में बैठा लिया हो। ट्रेलर में बजरी थी और ट्रक में सब्जियां थी। ट्रेलर बीकानेर की ओर से आ रहा था, उसमें बजरी लदी थी। वहीं ट्रक पंजाब से बीकानेर की तरफ जा रहा था। ट्रक में मटर थे। ट्रक से दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। उसमें सवार लोगों को बचने का मौका भी नहीं मिला। वहीं दुर्घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और लगे जाम को खुलवाया। चूड़ी मार्केट के सरकारी कॉम्प्लेक्स के पास गंदगी का आलम बना हुआ है। दुकानदारों का कहना है कि यहां कई दिनों से गंदगी पड़ी हुई है, जिसकी शिकायत हम कई बार नगर परिषद को दे चुके हैं। वहीं वार्ड पार्षद को भी शिकायत की तो उन्होंने कहा कि 5 आदमी भेज रहा हूं, लेकिन अभी तक कोई नहीं पहुंचा और यह समस्या हमेशा ही ऐसी बनी रहती है। बदबू के मारे दुकानों पर बैठा नहीं जाता और ना ही ग्राहक दुकानों पर आते हैं। इसकी वजह से हम दुकानें भी लेट खोलते हैं, क्योंकि यहाँ नाले का पानी इतना अधिक हो जाता है कि निकला भी नहीं जाता। गंदगी इतनी जबरदस्त रहती है, इसे लेकर दुकानदारों ने नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। अशोक खन्ना आए हाय, नगर परिषद आए हाय, अशोक खन्ना आए हाय, मनोहरलाल सिंगल आए हाय, मनोहरलाल सिंगल आए हाय, अशोक खन्ना आए हाय। चूड़ी मार्केट में गंदगी फैली पड़ी, रोज का सुबह डेली आते हैं तो पहले इसके दर्शन करते हैं गंदगी के, फिर दुकान के खोलते हैं जाके। नगर परिषद में कई दफे शिकायत करके आए सर, लोग आज भी गए थे और कल पार्षद के पास भी गए थे। उन्होंने कहा अभी भेज रहे हैं आदमी, अभी तक ट्रैक्टर भी नहीं आया। उन्होंने कहा ट्रैक्टर भेज रहे हैं, गीला कचरा उठा देंगे आपसे, वो भी नहीं उठाया अभी तक। तो ये परेशानी तो आए दिन की है, रोजाना की। बरसातों में और ज्यादा बढ़ जाती है, घटती नहीं है। हमारे कहने का मतलब, हमारे यहाँ के जो पार्षद हैं, वार्ड पार्षद, उनको बोल के आए सुबह, उन्होंने भी कहा मैं कर्मचारी भेज रहा हूँ। उसके बाद नगर परिषद गए थे, वो बोले थे 5 कर्मचारी भेज रहे हैं, यहाँ तो अभी तक एक भी आया नहीं है। और ये मार्केट के अंदर ये कचरे का ढेर जो लगा रखा है, ये बताओ ये वाजिब है क्या? इससे मच्छर भी होंगे, हम लोगों का व्यापार तो प्रभावित हो ही होगा। सुबह से एक दुकान खुली है, अभी ये भी 2 घंटा पहले एक दुकान बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, और आगे भी ये लगा लो कस्टमर ना आ रहा है ना जा रहा है, रास्ता सारा खराब हुआ पड़ा है। हमारी आप लोगों से, नगर परिषद से, अलवर विधायक से, भारतीय जनता पार्टी के सभी उनसे हमारा निवेदन है कि हमारे इस मार्केट की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें और यहाँ पे सफाई का समाधान। तिजारा थाने में सीएलजी की बैठक आयोजित की गई। एएसपी पुष्पेंद्र सोलंकी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत सामाजिक सरोकारों को निभाते हुए तिजारा थाना पुलिस द्वारा 2 मेधावी बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया। 12वीं में कॉमर्स में प्रथम आई कोमल और पूजा सोनी को प्रशस्ति पत्र और 500 रुपये का नगद इनाम देकर सम्मानित किया गया। बैठक में एएसपी पुष्पेंद्र सोलंकी और डीएसपी नेमीचंद सहित थाना अधिकारी हेमराज सिंह और सब इंस्पेक्टर गौरव प्रधान बैठक में मौजूद रहे।
एएसपी ने सीएलजी की बैठक में आम जन से अपील की कि अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की मदद करें और कहीं भी अपराधियों के बारे में जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। अगर 500 रुपए के इनाम के साथ दे रहे उसी क्रम में दो व्यक्ति यहाँ अपने क्षेत्र हम आई हुए उत्कृष्ट रिजल्ट आए थे, दोनों सम्मानित किया। भरतपुर के नगर क्षेत्र के ओडीएफ होने पर ब्लॉक स्तर पर गौरव यात्रा कार्यक्रम किया गया। इस दौरान क्षेत्र के सरपंचों को सम्मानित भी किया गया। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के तहत 33,148 शौचालयों का निर्माण किया गया है। भरतपुर जिले के नगर में आज पंचायत समिति नगर को खुले में शौच मुक्त होने पर ब्लॉक स्तरीय गौरव यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीआर मीणा थे। वहीं अध्यक्षता विधायक अनीता सिंह गुर्जर ने की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर तहसीलदार ओम प्रकाश गुर्जर, दिलीप सिंह गुर्जर, मंडी सचिव ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती माँ की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर की गई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गौरव यात्रा कार्यक्रम में गांव रानोता के कलाकारों द्वारा कार्यक्रम भी पेश किए गए। इस दौरान सभी सरपंचों को नगर क्षेत्र को ODF कराने को लेकर सम्मानित किया गया। नगर विकास अधिकारी ने बताया कि नगर क्षेत्र की 33,148 ग्राम पंचायतों में शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है। वहीं नगर विधायक अनीता सिंह ने कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों को स्वच्छ भारत मिशन बनाने को लेकर शपथ दिलाई। मैं अब खुले में शौच नहीं जाता हूँ, मैं ना गंदगी फैलाऊंगा, ना फैलाने दूंगा। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। गायक दिलेर मेहंदी को हुई 2 साल की सजा, मानव तस्करी का है मामला, पटियाला कोर्ट ने सुनाया फैसला। विदेशी महिला पर्यटक की हुई मौत, फ्रांस से ग्रुप के साथ भ्रमण पर आई थी पुष्कर, बस के नीचे आने से हुई मौत। राज्य मंत्रिमंडल में हो सकता है भारी फेरबदल, मंत्रियों से लिए जा सकते हैं इस्तीफे, साथ में संगठन में भी बदलाव के बने आसार। ट्रेलर ट्रक में हुई भीषण भिड़ंत, 4 जिंदा जले, बीकानेर के महाजन में हुई दुर्घटना। स्पार्कल प्राइम इंडिया न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।